फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा पर एक हैरान कर देने वाला वाक्या दिखाई दिया। ऐसा वाक्या जिसे देखकर भारत के हर इंसान को मोदी जी पर गर्व होगा। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की मिर्जापुर और वाराणसी यात्रा के दौरान एक जगह मोदी खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगे। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी फोटो खिंचवा रहे थे। तभी एक महिला इस हड़बड़ी में दिखी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी फोटो ना रह जाए और वो फ्रेम में आने से चूक ना जाए। इस वजह से उस महिला ने आनन फानन में फ्रेम के अंदर कदम रख दिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाने लगी। आपको लग सकता है कि मोदी के करोड़ों फैंस की तरह ये महिला भी उनकी कोई बहुत बड़ी फैन रही होगी, लेकिन आप इस महिला का परिचय जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये महिला कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की पत्नी थी। विपक्ष मोदी पर हमेशा आरोप लगाता रहता है कि उन्हें सेल्फी खिंचवाने का बहुत शौक है और कैमरे में आना उनका पसंदीदा शगल है, लेकिन इस वाक्य के बाद हर भारतीय को ये लगेगा खाली मोदी ही दूसरों के साथ फोटो खिंचवाना नहीं पसंद करते, बल्कि विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लालायित रहती हैं। हमारे जेहन में वो यादें अभी भी हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते थे और दूसरे देशों के प्रमुख उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। ये युग मोदी का युग है, वो युग जिसमें एक ताकतवर देश का ताकतवर राष्ट्रपति अगर देश के अंदर आता है तो मोदी के साथ खड़ा होने में खुद को गर्व का अनुभव करता है। मैक्रोन का परिवार कितना प्रशंसक रहा होगा मोदी का, मोदी के व्यक्तित्व की कितनी मुरीद रही होंगी उनकी पत्नी के इस राजनीतिज्ञ के साथ खुद का एक फोटो खिंचवाने के लिए वो इतनी आतुर दिखी।